वेलकम फ्रेंड्स, आइए आज हम आपको दिखाते हैं भारती एयरटेल की कुछ कारनामे और करतूत, जो भी समझें आप। आपसे हमारी एक विनम्र प्रार्थना होगी, इस वीडियो को 5 मिनट अवश्य देखिएगा, मिनिमम 5 मिनट देखिएगा, नहीं तो ये 10 मिनट का वीडियो है, पूरा देखिएगा। देखिए 187.6 GB डेटा अभी इसमें बचा हुआ है। अगर आप मोबाइल डेटा यूज करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप एक कस्टमर होने के नाते कहीं धोखे में ना फंस जाए, इस वजह से आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। चलिए दिखाते हैं। ये टोटल जो डेटा था 188.9 GB था, इसमें से 187 GB अभी बचा हुआ है, और पिछले महीने का जो हमारा डेटा था वो 113.93 GB था, है ना, दिख रहा है ना, 9 GB, और 75 GB हर महीने का डेटा प्लान है। और जो आपके भारतीय एयरटेल की बात छोड़िए, PVR स्टडी में जो डेटा यूज होता है वो हर दिन लगभग 75 GB का डेटा यूज होता है, 75 GB का अगर नहीं हो पाता है तो लगभग में 25 GB का पर डे डेटा यूज होता है। 75 GB तो अक्सर जब होता है जब सभी क्लास चलती हैं डेली, तब होता है, लेकिन इस समय सभी क्लास नहीं चल रही हैं, तो आपके जो है डेटा का यूजेज जो होता है ना बाबू, वो आपके 20 से 25 GB मिनिमम हो जाता है, नहीं तो 70 से 75 GB पर डे यूज होता है जब आपकी सभी क्लास लाइव होती हैं और सभी वीडियो मिलते हैं, तो यानी कि 8 से 10 लाइव चलती हैं। तो देखिए ऊपर जहाँ स्पीड चल रहा है वहाँ पर 16.93 GB डेटा यूज हुआ है, वाईफाई में 532 MB डेटा यूज हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप जहाँ पर स्पीड चल रहा है ना। तो चलिए दिखाते हैं आगे, आपको सारा डिटेल अभी आपको दिखाएंगे इसमें हम, और इसी वजह से हमने कहा कि भारतीय एयरटेल अब जाने वाली है, बिल्कुल जाने वाली है, मुझे यही उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि जाने वाली है, क्योंकि इसकी सुविधाएं जो आप देख रहे हैं, ये हालत कहाँ पर है, ये आपके प्रयागराज UP में है, यानी कि जो महानगर कहा जाता है, कोई ये गाँव या खंडहर एरिया नहीं है, जंगल का रास्ता नहीं है, ये महानगर की हाल है प्रयागराज की। अगर मैं लैंडमार्क बता दूं कोई भी एयरटेल से रिलेटेड है, तो ये फाफा मऊ रेलवे जंक्शन, ये आपके व्हाट्सएप नंबर का हालात देख लीजिए, जो आप लोग जानते हैं, ये नंबर सभी लोग जानते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, इसमें 1 GB डेटा भी बचा हुआ है, और ये इसके आगे यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि 1.4 GB पर डे इसमें प्लान है, आप जानते हैं, मात्र 200 या 300 MB यूज हुआ है सुबह से लेकर इस समय रात शाम के 3 बजने वाले लगभग में, लेकिन अभी तक कोई प्रयोग नहीं हुआ। आगे आपको हम दिखाते हैं कैसे 200 से 300 GB डेटा ख़राब हो जाता है और उसका बिल पेमेंट हमें करना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं एयरटेल पोस्ट पेड की हाल में आपको दिखाऊंगा, ये तो प्रीपेड है, देखिए पोस्ट पेड। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर सभी नंबरों की डिटेल, जैसा कि इनमें से काफ़ी नंबर आप लोग जानते हैं, लेकिन हम सभी नंबर नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये कुछ नंबर इसमें प्राइवेट भी हैं जो कि आप लोग नहीं देख सकते हैं। इन्हें देखिएगा, ये नंबर आप सभी जानते हैं, इस पर कॉल भी करते हैं, ये पोस्ट पेड नंबर है एयरटेल का, जिसमें 664 रुपये बिल अभी तक हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ इसकी सर्विसें क्या हैं और सेवाएँ क्या हैं, उनको भी देख लीजिएगा, रुकिएगा। बाकी के ये नंबर भी एयरटेल के ही हैं, जो कि आपके PVR स्टडी में ही प्रयोग होते हैं, लेकिन हम इन सबको नहीं आपको दिखा सकते। देखिए अभी इस पोस्ट पेड प्लान में आपको क्या क्या दिख रहा है, नंबर यहाँ दिख रहा है, बिल एंड प्लान, मोबाइल डेटा, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, सर्विस वगैरह वगैरह। चलिए आपको दिखाते हैं बिल और प्लान के बारे में। देखिए बिल हो चुकी है टोटल 664 रुपये 81 पैसे, ये आप जानते हैं, एक महीने के अंदर ही हुई है, अभी 18 फरवरी को ये प्लान लिया गया था, लिखा हुआ ड्यूज इन 10 डेज, ठीक है ना। आगे चलें, अब प्लान देख लीजिए, प्लान जो है एकदम मिनिमम वाला हमने लिया हुआ था, जिससे कि ये चल सके किसी तरह से, यहाँ तक कि ये बिल नहीं ओपन हो रही है, इतना तेज़ चल रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कैसे ओपन हो रहा है, ये रिट्राई, यू आर नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, मतलब कि इन्हीं का इंटरनेट कनेक्शन है और ये बोल रहे हैं कि आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हैं। और यहाँ नेटवर्क अगर आप देखें तो 2 से 3 पॉइंट नेटवर्क आ रहा है, मतलब कि नेटवर्क है फिर भी डेटा का ये हाल है। फिर भी हम आपको दिखाएंगे खोल के किसी तरह, फिर रुकिएगा। इन सभी बेहतरीन सुविधाओं के मद्देनज़र हमें यही लग रहा है कि बस एयरटेल की सर्विस जल्द ही बंद होने वाली है, और ऐसा होने में पूरा भरपूर सहयोग करेंगे हम, इन सभी नंबरों को एयरटेल से पोर्ट करके दूसरे कंपनी में ले जाएंगे। अभी हम वहाँ आपको हालचाल दिखाएंगे, यहाँ देख लीजिए आप, ये मात्र 44% अपलोड हुआ अभी तक, ये आपके DLED की सेकेंड सेमेस्टर की क्लास है अपलोड हो रही, जो कि सुबह से हो रही, रात 10 बजे आप इसे देखेंगे, रात 10 बजे पब्लिश होती है और रात 10 बजे लाइव भी होता कभी कभी, तो ये टाइम जो बता रहे हैं एवरेज ना, इसको अपलोड करने में मात्र 10 मिनट की क्लास है, 1 घंटा 27 मिनट अभी बता रहे हैं, बाकी अभी देखिए ये 2 घंटा 3 घंटा भी हो जाता है, आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कितनी बेहतरीन सुविधाएं हैं एयरटेल की।
है ना, बहुत बेहतरीन सुविधाएं हैं ना। और ये मैं किसी शौक से नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना ज़्यादा हो गया कि रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आज वीडियो बनाया। ये पिछले 6 महीने की हाल है। ये ओपन हो जाए तो हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे घूम रहा है। नेटवर्क पूरा है बट बता रहा है यू आर नॉट कनेक्टेड। आप देख रहे होंगे 4G का सिंबल भी आ रहा है। अगर इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं रहता है, डेटा कनेक्शन, तो 4G का सिंबल नहीं आता है। ये देख रहे हैं ऊपर आ रहा है, मतलब ये 4G नेटवर्क की हाल है बाबू। 3G 2G नहीं, इससे अच्छा तो 2G चलता था। 2G अब इसमें आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए, 188.9 GB डेटा का कितना लेफ्ट है, 187.6 GB डेटा अभी बचा हुआ है। पिछले महीना का बिना यूज हुआ डेटा 113 GB है। बिना यूज क्यों, डेटा की तो कम ही पड़ जाती पर डे, 25 GB हर दिन लगभग यूज हो जाता है। आप देखा होगा आपने 16 GB आज यूज हुआ, 16 GB। ध्यान दीजिएगा, अभी हम ऊपर से ड्राइव कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, देखिए मोबाइल डेटा जहाँ इंटरनेट स्पीड चल रही है उसके नीचे देखिए कितना यूज हुआ आज, 16.67 GB डेटा यूज हुआ है मोबाइल में, वाईफाई पर 532 MB है ना। यानी कि 16 GB डेटा किसका यूज हुआ है, एयरटेल का नहीं, जियो और आइडिया का यूज हुआ है। अभी आपको हम उसकी भी स्पीड दिखाएंगे। करंट प्लान डेटा जो है वो 75 GB है, 113 GB पिछले महीना का है, कुल मिला करके 188 GB हुआ था, और ये 188 में से 187 GB अभी बचा हुआ है। यानी आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि कितना डेटा यूज हो रहा है, कैसे चल रहा है, इसकी स्पीड क्या है। ये देखिए यहाँ पर क्या स्पीड आ रही है इसकी, देख रहे हैं ना ऊपर आप। अभी हम आपको इसको स्पीड टेस्ट करके भी दिखा देंगे। देखिए इंटरनेट की स्पीड कैसे चेक करते हैं, भारतवर्ष में यानी कि भारत देश में पॉपुलर स्पीड टेस्ट .net ये वेबसाइट है, आप इसे देख लीजिएगा। अभी हम आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, अगर ये ओपन हो जाएगी तो इसकी स्पीड कितना आ रही है, आप इसे देख लीजिए। बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए हम आपको जल्दी फिर दिखा देते हैं, क्योंकि वो खुलेगा ही नहीं वेबसाइट तो दिखेगा क्या, है ना। अभी इसके बाद आपको हम जियो का स्पीड दिखाएंगे कितना स्पीड में आता है। जैसे कि यहाँ अपलोडिंग स्पीड की बात है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डाउनलोडिंग स्पीड की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपलोडिंग स्पीड से मतलब है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 0.13 MB/s, मतलब कि आधा MB/s भी स्पीड नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं एयरटेल, इसकी IP एड्रेस भी हमारे फ़ोन की है इसमें जो दिख रहा है इधर साइड, है ना। और जो सर्वर पकड़ा हुआ था ना, ये प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता, मतलब सर्वर का नाम क्या था, इंडीनेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता का सर्वर पकड़ा हुआ था, समझ रहे ना। ये हाल चाल है इसकी, अब ऐसी स्थिति में हम क्या बोलें, बस यही ना कि अब जाने वाला है, ये बिल्कुल जाने वाला है, क्योंकि 5 सिम एयरटेल के हमने तो ख़त्म कर दिए एयरटेल से, और जल्दी ये एयरटेल से दूसरे कंपनी में होने वाले हैं। आप भी करें अगर आप हमारे साथ हैं तो, क्योंकि हमने कई बार कंप्लेन किया, कुछ भी नहीं होता है, 1000-2000 रुपये हर महीने इनके पीछे बर्बाद हो जाते हैं, कुछ भी होता नहीं, कोई भी सर्विस नहीं मिलती, कुछ भी नहीं होता। आइए अब हम आपको जियो की सर्विस दिखाते हैं। देखिए हमें किसी से कुछ मिला नहीं है ना, हम किसी का प्रचार और किसी का बुराई कर रहे हैं, बस जो गुजर रहा है खुद के ऊपर वही आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम बर्बाद हो जाता है इसमें। अब आप इसमें जियो की स्पीड देख सकते हैं, जियो की स्पीड आप देख सकते हैं स्पीड मीटर में चल रहा है 1.3, 1.8, 1.49 MB/s, यानी कि ये स्पीड MB में चल रही है। अब आप इसे खुद ही देख सकते हैं, जो 16 GB डेटा यूज हुआ है ये जियो और आइडिया का डेटा यूज हुआ है, देख रहे हैं 2-2 MB/s का जा रहा है। हमारे लिए यही बहुत है, 2 MB 1 MB ही, जहाँ एयरटेल में 1 KB 2 KB जाता है वहाँ 1-2 MB/s बहुत है। ये आप देख रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी J4 फ़ोन में, कोई ये एकदम घटिया टाइप का फ़ोन भी नहीं है, समझ रहे ना। तो आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा क्या हाल है ना। अपलोडिंग स्पीड जो अभी आपने देखा था 1 घंटा 27 मिनट ना बाबू, वो स्पीड यहाँ पर देखिए टाइम जो मिनिमम है वो 45 मिनट का आ गया है, 44 मिनट है ना। तो ये थी पूरी हालचाल, शेयर अवश्य करिएगा।